आज मैं बना रही हूँ बचे हुए बनाना से सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बनाना पैनकेक की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है और जो कई बारी बनाना हमारे घर में ना यूज़ नहीं होते, आते हैं कुछ खाए जाते हैं और कुछ बचे रह जाते हैं, तो बस उसी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना केक, जो बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पर ना 3 बनाना बच गए थे, उससे मैंने बनाए हैं ये। उसे मैंने काट कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। इसमें डाल दी है 4 चम्मच देसी खांड, खांड की जगह आप चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है 1/2 कप दूध। तो बस फटाफट से इसका एक बनाना शेक बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक स्मूथ सा बनाना शेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे डाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में। दूध डालने से ना ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनकर तैयार होता है। खाली बनाना को अगर आप पीसते हैं ना तो थोड़े से चंक्स रह जाते हैं, तो दूध डालकर पीसेंगे ना तो बड़ी आसानी से और एकदम स्मूथ पीसकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इलायची और सौंफ, दोनों का मिक्स करके पाउडर बना के मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी और 1 कप इसमें डालेंगे हम गेहूँ का आटा। अगर आप सूजी और आटा नहीं डालना चाहते, आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैदे का यूज़ मैं इसमें नहीं कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका एक थोड़ा फ्लोई सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देते हैं। आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं या आधा दूध आधा पानी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने इसे पूरा दूध में ही बनाया है। आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छे से इसका एक फ्लोई सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे करा देते हैं 10 मिनट के लिए आराम। तो इसे आराम कराते हैं, तब तक हम अपना तवा भी गर्म कर लेते हैं। इसे आप डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, तो मैं इसका बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो इसे हमने तवे पर डाल दिया है। थोड़ा सा घी डालकर या ऑयल डालकर आप तवे को ग्रीस कर ले ताकि ये बिल्कुल बैटर चिपके नहीं, क्योंकि इसमें हमने बनाना भी डाला है और मीठा भी डाला है, तो ये तवे पे थोड़ा सा चिपकता है स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस किया है तो ज़्यादा नहीं चिपकेगा। तो बस इसे डालकर ऊपर की जब लेयर इसके बिल्कुल ड्राई हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। तो आराम से इसे छुड़ाते हुए अच्छे से पलट लेंगे। सारी तरफ से छुड़ाने के बाद पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाता है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। बिल्कुल अच्छे से इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करने तक हम इसे सेकेंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे हमारे पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप बटर के साथ या इसे आप हनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक पैनकेक और बनाकर अभी तैयार कर लेते हैं। ऑयल को हमें हर बारी ग्रीस करना पड़ेगा क्योंकि जो पैनकेक्स हैं ना ये थोड़े से चिपकते हैं। अगर आप नॉनस्टिक का तवा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बैटर को फैलाते टाइम हमें बिल्कुल तवे को टच नहीं करना, मतलब कड़छी से हमें थोड़ा ऊपर ऊपर ही रखना है, नहीं तो ये बीच में से टूट जाता है। तो अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देते हैं हल्का सा ऑयल। तो बस इसे भी उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब पका लेंगे। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखी है ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। हाई फ्लेम पर ऊपर से तो पक जाते हैं, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो आप भी इस पैनकेक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।